इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। कर क्या रहा था वो लंदन, जिसे हम कई सालों से ढूंढ रहे हैं? कैसे पकड़ा गया? हीथ्रो एयरपोर्ट पर फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ। सर, कुछ दिनों से मुंबई में सारे गैंगस्टर्स इनएक्टिव हो गए हैं। अफवाह है कि कोई एक बंदा इन सारे गैंगस्टर्स के लीडर्स को ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। There's too much panic, sir. ये देखिए, पूरा ऑफिस सीज कर दिया गया, हमारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अब हमारी जिंदगी का सिर्फ एक मिशन था। कई साल पहले मुंबई में ये पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स के लिए जमीनें हड़पता था। इसकी कहीं और कोई साइटिंग हुई है? यस सर, रॉ के मुताबिक पिछले 4 महीने में 2 बार साइटिंग हुई है। मतलब अब ये मुंबई में है। हमें इसे रोकना होगा। ये जो कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन हमारा ये देश कानून से चलता है और ये कानून अपने हाथ में ले रहा है। इसे अभी नहीं। इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। कर क्या रहा था वो लंदन, जिसे हम कई सालों से ढूंढ रहे हैं? कैसे पकड़ा गया? हीथ्रो एयरपोर्ट पर फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ। टेररिज्म के बिजनेस में रिसेशन नहीं होता। नहीं, आज आप एक इंटरनेशनल क्रिमिनल हैं। आपको मारना हमारे लिए सबसे आसान काम है, और वो मौका इस ट्रांसमीटर में कैद है। There's too much panic, sir. ये देखिए, पूरा ऑफिस सीज कर दिया गया, हमारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अब हमारी जिंदगी का सिर्फ एक मिशन था। कई साल पहले मुंबई में ये पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स के लिए जमीनें हड़पता था। इसकी कहीं और कोई साइटिंग हुई है? यस सर, रॉ के मुताबिक पिछले 4 महीने में 2 बार साइटिंग हुई है। मतलब अब ये मुंबई में है। तो फिर आज रात 12 बजे 24 ट्रेनों के धमाके के साथ हिंदुस्तान एक नए हकीकत से वाकिफ होगा। उसे ढूंढो। और तूने बहुत लोगों के जाने लिए होंगे, पर इन आंखों में गौर से देख, ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ, सिर्फ गर्व है। हमारी तू भी मेरे इस बात को याद रखना, जैसे तू मुझे मारेगा वैसे तू भी मारेगा। बहादुर बेटे। और लोग आज भी चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हैं, जो जीता उसके साथ सच झूठ के अब भाड़ में है।